Ladies and gentlemen, here we are moving to the 71st module where we are going to discuss risk and achievement as an entrepreneurial behavior. Here, uh, I'll briefly discuss a strong tendency among the businessmen to emphasize that their decisions are based on fact, thus, to make a favorable outcome the consequence of. जजमेंट्स रादर द गुड फॉर्चून तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने आ, किस तरीके से इस चीज़ को लेना है ये सुटोन जो है इसको इस आइडिया को लेते हैं और इसको डिस्कस करते हुए ये कहते हैं कि फैक्ट की बेसिस के ऊपर आप जजमेंट्स बनाएंगे आपकी जजमेंट्स जो हैं वो रदर आपको जो है वो कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए कि आपका रदर गुड फॉर्चून के बजाय आपका रिजल्ट ओरिएंटेड हो अगर आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं है तो आपको जो है वो सवियर रिस्क के अंदर आप आ सकते हैं देन सेवरल स्टडीज कंक्लूड दैट द पीपल विद द एंटरप्रेन्योरियल स्किल प्रेफर्ड वर्किंग अंडर द मॉडरेट रिस्क अब यहाँ पर अभी डेफिनेशन चेंज हो रही हैं मुताबिक जो है वो मॉडरेट रिस्क की बात की जाती है देन हाउर दीज इंडिविजुअल रिलइड ऑन द स्किल एंड नॉलेज नॉलेज ऑफ नोन एंड अन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट आपका स्किल जो है वो बेसिकली आपको पहले ही बता देता है कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी आप फोरकास्ट करते हैं और आपकी जजमेंट्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल एनालिसिस होता है आपके पास फैक्चुअल एनालिसिस है कि मेरे पास कितनी स्किल है कि मैं कितनी प्रोड्यूस करके दे सकता हूँ और मैं मार्केट में कितना दूंगा अगर आप उसको ओवर एस्टिमेटेड जो है वो कॉस्ट देंगे या अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेंगे तो आप उस फैक्चुअल एनालिसिस से निकल जाएंगे मूव ऑन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉडल आपके सामने रखा गया है जिसको इंटरेक्शन ऑफ एन अचीवमेंट एंड रिस्क टेकिंग कहते हैं तो इसमें जहाँ पर देते हैं कि आपका जो हायर रिजल्ट हैं उसके अंदर आप देखेंगे प्रेफरेंस एज अ ज्वाइंट फंक्शन ऑफ मोटिव इसको वेरिएबल दिया गया है उसको एम दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी को पी से किया गया है, एंड सक्सेस एंड द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस वेयर आई इक्वल टू वन इन टू पी अगर आप देखें तो अप्रोच के अंदर आप देखें टास्क ए बी सी फिर इनको टेक्निकली एम पी और आई को अगर इन रेशोस को देखें तो हाई एन अचीवमेंट्स जो हैं वो लो लोअर एन अचीवमेंट के साथ आपको रिजल्ट देते हैं सो so, टेक्निकली जब मैं टास्क ओरियंटेशन में जाऊँगा तो उसको मैथमेटिकली मैं अपनी अप्रोच को देख लूँगा कि मेरे पास टास्क ए के रिस्पॉन्स रिजल्ट कितने यहाँ आपके सामने आ रहा है फिर आपके एम को कैलकुलेट करेंगे पी से और फिर आई से यानी प्रेफरेंस ऑफ जॉइंट फंक्शन ऑफ मोटिव टू अचीव एम फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर देखी जाएगी एंड देन फिर इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशोज इस वक्त आपके सामने है और अच्छा हायर एन अचीवमेंट और लोअर एन अचीवमेंट